सभी को मेरा राम राम। आज 9th क्लास में स्केल नंबर 12 की हम कागज बाट सीखेंगे। इसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 75 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, 90 सेंटीमीटर है। हमने कागज को लेंथ की तरफ रखा है और हम इसमें जो फुट्टा यूज करेंगे वो है 2.15 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं 2.15 सेंटीमीटर फुट्टा हम इसमें यूज करेंगे। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो लेंथ और जो ब्रेथ है वो जोड़ के हमारे पास आ रही है 90 और 40 होते 130। तो हमने यहाँ से लेंथ से 130 सेंटीमीटर काटना है, यहाँ से ये 120 25 30 सेंटीमीटर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और अब हमने यहाँ से बची हुई शीट के बराबर तीन भाग करने हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम एक न्यून कोण बनाएंगे इस तरह से, और इस पे हमने निशान लगाने हैं तीन, अपनी मर्जी से हम इसमें निशान लगाएंगे तीन इस तरह से, एक दो और तीन इस तरह से हम इसमें लिख देते हैं, 0, 1, 2 और 3। और जो ये तीन है, तीन पॉइंट हमारे पास आया, इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे इसको मिला देना है यहाँ पे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसी के समानांतर हमने रेखा लगानी है यहाँ पे दो से, ये हमारा दो है यहाँ पे आप देखते हैं, और फिर हम इसी के समानांतर रेखा लगाएंगे एक से यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने प्रकार खोलनी है यहाँ देख सकते हैं, और एक दो और बिल्कुल बराबर है। तो इतनी प्रकार खोल के आपने यहाँ से लेफ्ट साइड से पेज के ऊपर से यहाँ पे एक निशान लगा देना है। ये हमारा एक भाग आ गया, हमने तीन भाग इसके किए थे जो बच गई थी शीट, उसमें से हमने पहला भाग छोड़ दिया है। हमने यहाँ से काटनी इसकी प्रॉपर लेंथ जो है 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम प्रॉपर लेंथ इसके लेंगे, ये आपका 90 सेंटीमीटर है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक भाग, दूसरा भाग जो हमारा था वो हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से, और अब हम काटेंगे इसमें ब्रेथ। तो यहाँ से इसकी ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, यह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 30 35 और 40 बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसी तरह से हमने नीचे भी इसमें एक भाग छोड़ना है इस तरह से। उसके बाद हम लेंगे इसकी लेंथ, प्रॉपर जो लेंथ हमारी है वो 90 सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरा भाग यहाँ पे हम काट देंगे, उसके बाद ब्रेथ यहाँ से 40 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ऊपर नीचे इन लाइनों को हमने मिला देना है। तो यहाँ से हल्की लाइनों से हम इसको मिलाएंगे, वैसे लगभग मैंने सभी स्केलों की कागज बांट कर रखी है, और कागज बांट का सिर्फ एक ही मेथड है जैसे हम ये कर रहे हैं, कोई अलग से मेथड नहीं है। फिर भी जो स्केल हमारी बच जाती है जैसे इसमें 13, 14, 15, तो मैं उनकी भी कागज बांट की वीडियो बना दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेथड से मैं कर रहा हूँ कार्य, तो आप अपने आप भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हमने ब्रेथ और हाइट जोड़नी है, और 40 और 75 होते 115, तो यहाँ पे हमने 120 है तो ये 115 है, हम 5 इसमें से कम कर रहे हैं यहाँ पे 115। बची हुई शीट के हमने बराबर 5 भाग करने होते हैं, जब हम हाइट और ब्रेथ को काटते हैं तो बची हुई शीट के बराबर हम 5 भाग करते हैं। तो यहाँ से हमने एक न्यून कोण लेना है और इस पर हमने बराबर 5 निशान जो है वो लगा देने हैं यहाँ से,
इस तरह से। एक दो तीन चार और एक पांच, इस तरह से आप इसमें लिख देते हैं। हम यहाँ पे जीरो एक दो तीन चार पांच। अब हमने पांच जो हमारा है इसको लास्ट पॉइंट के साथ हमने मिला देना है। ये पांच पॉइंट जो हमारा आया इस तरह से, और अब हमने इसी के समानांतर रेखा लेनी है चार तीन दो और एक, इस तरह से। और हम इसको देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, बिल्कुल बराबर है। दो भाग जो हमारे है, पहले दो भाग है, इतनी हमने प्रकार खोलनी है यहाँ से, देख सकते हैं आप। और हमने ऊपर जो है सबसे पहले दो भाग इस तरह छोड़ देने हैं, उसके बाद हम इसमें काटेंगे इसकी प्रॉपर हाइट। और प्रॉपर हाइट इस स्केल की है 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 60 65 70 75 यहाँ पे। उसके बाद हमने काटना है एक भाग यहाँ से, ये यह हमारा एक भाग है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हमने काटनी है इसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 40, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से 45 5 कम कर दिए, तो यहाँ 40 रह गया, दो यहाँ पे दो भाग हमारे पीछे बच जाते हैं, तो 40 हमारा आ गया है। अब हमने दूसरे साइड भी इसी तरह से यहाँ से जितना हमने यहाँ दो भाग छोड़े हुए हैं, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो कहीं भी देख लिए तो बिल्कुल बराबर आएगा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने दो भाग काटने हैं, उसके बाद हम काटेंगे इसकी प्रॉपर हाइट है 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 75 सेंटीमीटर। फिर हम काटेंगे एक भाग, इस तरह से। फिर हम काटेंगे ब्रेड्थ इसकी जो है 40 सेंटीमीटर है, यहां से 40। फिर जो हमारे पास शीट बच जाएगी वो हमारे दो भाग है। अब हमने क्या करना है, यहां से इसमें लाइनें लगानी है। आप देखते रहिए मैं कैसे इसमें लाइनें लगा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम लाइनें लगे ताकि हमें मिटाने में दिक्कत ना आए और हमारी शीट जो है वो गंदी ना हो, क्योंकि सफाई के स्पेशल तीन नंबर होते हैं लिखाई और सफाई के, तो उसका विशेष ध्यान में रखता हूं। दूसरी लाइन हमारी पूरी आएगी क्योंकि बेसिक लाइन है, एक्स वाई लाइन होती है। तीसरी लाइन भी हमारी इसी तरह से, आपकी शीट गंदी ना हो इसलिए हम सिर्फ वही लाइन लगाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत रहेगी, फालतू लाइन हम नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, यहाँ सिर्फ निशान लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, ताकि यहाँ हमें मिटा देना होता है, तो मैं पहले बता रहा कि हम सिर्फ उतनी लाइनें लगाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अब जो लाइट लाइन है इनको हम डार्क कर देंगे और जो फालतू लाइन है उनको हम मिटा देंगे। इसके बाद ये जो हमारी दूसरी लाइन है एक्स वाई लाइन, हम इसको देंगे नाम बेसिक लाइन है। और ये लाइनें हमने यहाँ छोड़ी हुई है, ये हमने छोड़ी है इसमें हाइट ब्रेड्थ और लेंथ लिखने के लिए, इस तरह से हम इसमें इसकी प्रॉपर हाइट जो है वो लिखेंगे। इसकी हाइट है 75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है इसकी 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो है 90 सेंटीमीटर, इस तरह से। और यहाँ हम इसमें लिखेंगे एलिवेशन
यहाँ इसकी साइड, यहाँ इसका एक प्लान, यहाँ एक प्रोजेक्शन और यहाँ पे हमने लिखना है इसमें स्केल नंबर जो हमने यूज किया है 2.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने इसमें फुट्टा भी बनाना है, इस तरह से भी आपने ड्रॉ करना है। यदि आपको फुट्टा बनाना नहीं आएगा प्रॉपर से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर फुट्टा बनाना भी सिखा दूंगा। ये आपकी स्केल है स्केल नंबर 12, इसकी हमने कागज वाट की है। इसकी सॉल्व स्केल भी मैंने बना रखी है, उसका वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में सॉल्व स्केल को देख सकते हैं और अच्छे से इस कार्य को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।